नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं डोमिनोज स्टाइल झींगी पार्सल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पतीले को गैस पे रखेंगे और उसमें डालेंगे हम थोड़ी सी बटर। बटर जब मेरी पिघल जाएगी तब उसमें हम डालेंगे कटी हुई 2-3 टमाटर। हम चलाते हुए थोड़ी देर इसे हम पका लेंगे। टमाटर पक गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज और इसे भी थोड़ी देर पकाएंगे। अब हम डालेंगे कटी हुई शिमला मिर्च। इटालियन फ्लेवर लाने के लिए हम इसमें ओरिगेनो और चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे। अब हम डाल रहे हैं इसमें 1 छोटी चम्मच मैगी मसाला, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और डाल रहे हैं स्वाद अनुसार नमक। 3 से 4 चम्मच इसमें हम टमाटो सॉस ऐड कर रहे हैं और इसमें आप चाहें तो चिली सॉस भी मिला सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई पनीर के पीसेज। चलाते हुए 2 मिनट पका लेंगे। मेरा स्टफिंग बनके तैयार है। इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम एक पतीले लेंगे, उसमें डालेंगे 1 कटोरी मैदा। अब हम इसमें दही डालकर मिलाएंगे, 1 छोटी चम्मच चीनी, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, 1 छोटी चम्मच नमक। अब हम इसे मिलाते हुए डो को तैयार कर लेंगे। इसे हमें दही में ही डो को तैयार करना है, पानी बिल्कुल नहीं डालना है। दही में हम मैदे को गूंथ लिए हैं। अब हम एक बर्तन लेंगे, बर्तन में थोड़ी तेल डालेंगे और उसमें हम डो को डाल करके अच्छे से इसे हम 4 से 5 मिनट तक इसे मिलाएंगे। जितना ही अच्छा इसे मिलाएंगे उतना ही अच्छा डो बनके तैयार होगा। अब मेरा डो बनके तैयार है। लोइए बनाएंगे और इसी में हम सूखे मैदे लगा करके इसे हम मीडियम साइज को बेल लेंगे। इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। अब हम इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करेंगे। हम उंगली में पानी लगाकर इसे हल्के उंगली से हम दबाएंगे ताकि ये फूले नहीं। अब हम डालेंगे इसमें स्टफिंग और डालकर तीनों कोनों को अच्छे से पकड़ के इस तरह से मोड़ लेंगे ताकि ये खुले नहीं। एक और हम गढ़कर दिखा रहे हैं। अब हम प्लेट में तेल लगाएंगे और इसे अच्छी तरह से प्लेट में फैला लेंगे। अब हम इसे इस तरह से उठाकर प्लेट में रख देंगे। अब हम कुकर को गैस पे रखेंगे और उसमें डालेंगे हम 1 स्टैंड और जो प्लेट में हम झींगी पार्सल रखे हैं उसे भी हम कुकर में रख देंगे। सीटी को हम निकाल लेंगे और हम ढक्कन को लगा करके बंद कर देंगे और इसे हम तेज़ फ्लेम पर 30 से 35 मिनट तक बेक करेंगे। 35 मिनट हो गए हैं, अब हम ढक्कन को हटाएंगे। मेरा झींगी पार्सल का कलर बहुत अच्छा आया है। अब मेरा झींगी पार्सल अच्छे से पक चुके हैं। अब हम झींगी पार्सल को प्लेट में निकाल लिए हैं। मेरा झींगी पार्सल पूरी अच्छी तरह से पक चुके हैं। हम अब ऊपर से इसमें बटर को लगा दिए हैं और इस पर चिल्ली फ्लेक्स और ऑरेगानो भी डाले हैं, इससे टेस्ट अच्छा आता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।